दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों ये कहानी जिंदगी के रहस्यों की है। कथा को पूरा सुने और इसे लाइक करके शेयर जरूर करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है घोड़े का डर और एक किसान। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक छोटा सा गांव था जहां एक किसान रहता था। एक दिन उस नगर का सिपाही अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने निकला। घंटों चलने के कारण सिपाही और घोड़ा दोनों ही थक गए थे। सिपाही ने तो अपने पास रखे पानी से प्यास बुझा ली, पर बेचारे घोड़े के लिए कहीं पानी दिख नहीं रहा था। पानी की तलाश में दोनों आगे बढ़ गए। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ दूर पर एक बूढ़ा किसान अपने बैलों के साथ दिखा। वह खेतों की सिंचाई करने के लिए रहट चला रहा था। सिपाही उसके समीप पहुंचकर बोला, काका मेरा घोड़ा बड़ा प्यासा है, इसे जरा पानी पिलाना था। पिला दो बेटा, किसान बोला। सिपाही घोड़े को रहट के पास ले गया ताकि वो उससे गिरता हुआ पानी पी सके, पर यह क्या, घोड़ा चौंक कर पीछे हट गया। घोड़े को लगा मानो कुछ उसके ऊपर गिर रहा है। घोड़ा घबरा गया। अरे ये पानी क्यों नहीं पी रहा, किसान ने आश्चर्य से पूछा। सिपाही कुछ देर सोचने के बाद बोला, काका रहट चलने से ठक ठक की जो आवाज आ रही है उससे यह चौंक कर पीछे हट गया। आप थोड़ी देर अपने बैलों को रोक देते तो घोड़ा आराम से पानी पी लेता। किसान मुस्कुराया और बोला, बेटे यह ठक ठक तो चलती रहेगी, अगर मैंने बैल को रोक दिया तो कुएं से पानी कैसे उठेगा। यदि घोड़े को पानी पीना है तो उसे इस ठक ठक के बीच ही अपनी प्यास बुझानी होगी। सिपाही को बात समझ आ गई। उसने फिर से घोड़े को पानी पिलाने का प्रयास किया। घोड़ा फिर से पीछे हट गया। घोड़ा मानो डर रहा हो, पर दो चार बार ऐसा करने के बाद घोड़ा भी समझ गया कि उसे इस ठक ठक के बीच ही पानी पीना होगा और उसने इस विघ्न के बावजूद अपनी प्यास बुझा ली। दोस्तों इस घोड़े की तरह ही यदि हमने अपनी इच्छित वस्तु पानी है तो जीवन में चल रही ठक ठक पर से ध्यान हटाना होगा। हमें सही समय के इंतजार में अपनी योजनाओं को टालना होगा। दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।